हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो अभी एक डीएसएसबी ने एक आरटीआई का जवाब दिया है। वो क्या आरटीआई है वो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आरटीआई का जवाब है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ पहले उसे चेक किया जाता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो ये जेन्युइन चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। देख पा रहे होंगे अभी आप कि जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था, एमसीडी पीआरटी का एग्जाम हुआ था, और आपको एक बात और बता देता हूं, एमसीडी पीआरटी कौन सा था, 16/17 और 1/18, और डीओई का अलग था। ये बात हो रही है 16/17, जिसे दोबारा 1/18 कर दिया था, दोबारा फॉर्म भरे गए थे। तो 16/17 और 1/18 में कितने कैंडिडेट्स बैठे थे टोटल, ये सभी के माइंड में क्वेश्चन होगा कि टोटल कैंडिडेट्स कितने प्रेजेंट थे। तो साथियों, टोटल कैंडिडेट्स जो थे वो थे 74,443, 74,443 कैंडिडेट्स टोटल प्रेजेंट थे एग्जाम के अंदर। हालांकि इससे पहले आपको पता चल गया होगा, एक दो शिफ्ट का आ गया था जवाब, तो हमारे कुछ साथियों ने अभी आरटीआई लगाई थी, ये तो ये उसका जवाब है। तो टोटल थे 74,443 कैंडिडेट्स, और इसको देखते हुए नहीं लगता है कि ज्यादा कट ऑफ जाएगी, बहुत ज्यादा कट ऑफ मुझे नहीं लग रहा कि जाएगी बहुत ज्यादा कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पार्ट्स क्लियर नहीं है। और पहले एक बात चल रही थी कि 110, 115, 115-20 वाले कैंडिडेट्स अब आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ के, और ऐसे मिल जाते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आपको नहीं मिलेंगे जिनके 115-20 नंबर हैं किसी भी शिफ्ट में, इवन 13 और 14 वाली शिफ्ट में भी आपको नहीं मिलेंगे। तो साथियों, ये थी अपडेट। तो टोटल 74,445 कैंडिडेट्स थे चारों शिफ्ट में लगा के जो प्रेजेंट थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था। हालांकि इनमें से जो टोटल थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था टोटल, वो 1.5 लाख के लगभग थे, लेकिन जो एग्जाम दिया है लगभग हाफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। तो साथियों, ये थी अपडेट, और इस तरह की जेन्युइन अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।